Jai Hind students, in this video I am going to discuss genetic disorder and types of genetic disorder, mainly the Mendelian disorder. In the previous video I have discussed about the pedigree analysis, okay, what is pedigree analysis and why we perform pedigree analysis. We perform pedigree analysis to check genetic disorder over generations, and in pedigree analysis we draw family tree diagram by using certain symbols given in the book. Okay, how the genetic disorders arises, genetic disorder कैसे होता है, ये mutation के कारण होता है. Mutation का types मैंने पहले ही बता दिया है. और म्यूटेशन क्या है, एन अल्टरनेशन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रिफर्ड एज म्यूटेशन. इट इज़ गिवन, दिस डेफिनेशन इज गिवन इन योर बुक एंड यूज दिस डेफिनेशन टू डिफाइन म्यूटेशन. ओके, जेनेटिक मटेरियल में अल्टरनेशन मतलब चेंज हो जाना ही म्यूटेशन कहलाता है. फिर म्यूटेशन के टाइप्स होते हैं, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, जीनोमिक म्यूटेशन. हमने क्रोमोजोमल म्यूटेशन, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में जिनो इस क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स में जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स हमने पढ़ा था, उसमें हमने जीनोमिक म्यूटेशन के बारे में पढ़ा. ओके, हाउ द क्रोमोजोम नंबर इज चेंज्ड एंड म्यूटेशन अराइजेज एंड डिसऑर्डर्स इज काउस्ड. नाउ यहाँ पे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू पॉइंट म्यूटेशन. ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो पॉइंट म्यूटेशन से रिलेशन रखता है. आप समझ सकते हैं व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन. मैंने म्यूटेशन के चैप्टर में भी इसे कंप्लीट, म्यूटेशन के वीडियो में भी कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है. जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए पर जाएंगे तो ये अगर क्रोमोजोम है, इसके एक्टिव पार्ट को जीन कहते हैं या डीएनए, डीएनए और केमिकली ये डीएनए का बना हुआ है. ओके, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. क्रोमोजोम जो है वो केमिकली डीएनए का बना हुआ है. इस डीएनए या क्रोमोजोम के एक्टिव पार्ट को हम लोग जीन कहते हैं. ओके, जहाँ जीन सिचुएटेड है उस प्लेस को लोकस कहते हैं. ओके, अब देखो ये जीन जो है या ये केमिकली डीएनए का पार्ट ही है, एक्टिव पार्ट है. मीन्स ये पूरे, अगर टोटल क्रोमोजोम है तो ये नहीं होगा कि सारे क्रोमोजोम का ये पूरा पार्ट एक्टिव होगा और प्रोटीन बनाता होगा या एंजाइम बनाता होगा. कुछ पार्ट इनएक्टिव भी होंगे, डैट विल बी इनएक्टिव, डैट विल नॉट कॉल्ड एज जीन, उनको जीन नहीं कहेंगे. जो एक्टिव पार्ट होता है डीएनए का उसको जीन कहते हैं. और केमिकली ये डीएनए आप जब पढ़ेंगे तो बना हुआ है सुगर, राइबोस सुगर, डीऑक्सीराइबोस सुगर. इसका डिटेल आप 11th में पढ़े होंगे, प्लस फॉस्फेरिक एसिड. ओके, एंड देन नाइट्रोजिनस बेसिस. अब आप पढ़े होंगे नाइट्रोजिनस बेसिस दो प्रकार के थे, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन. आपको मैं बस रिवीजन करा रही हूँ, ऑल दीज यू हैव रेड इन 11th, पायरिमिडीन. ओके, प्यूरीन कौन कौन सा था, दो था, एडिनिन एंड गुआनिन, जिसको हम लोग ए और जी से रिप्रेजेंट करते हैं. पायरिमिडीन कितने प्रकार के थे, तीन, थायमीन, यूरासिल एंड साइटोसिन. डीएनए में यूरासिल प्रेजेंट नहीं रहता है तो थायमीन और साइटोसिन होता है, और प्यूरीन के फॉर्म में आपका एडिनिन और गुआनिन होता है. ओके, चार गैप्स रूल हम आगे पढ़ेंगे, जिसके अनुसार हमेशा एडिनिन जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थायमीन के साथ पेयरिंग करता है, क्योंकि डीएनए जो है हमारा वो डबल हेलिक्स है, डबल हेलिकल डीएनए है. मीन्स ये जो पार्ट ऑफ जो क्रोमोजोम है ये डबल हेलिकल है. ओके, अब देखिए जब ये ए जो है हमेशा ये रूल है टी के साथ करेगा, और जी जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ सी के साथ करेगा. ओके, पॉइंट म्यूटेशन अराइजेज ड्यू टू चेंज इन दिस लेबल. इस लेबल पे अगर चेंज हो जाए,
ये जी अगर सी में कन्वर्ट हो जाए, ये जहाँ पे सी है वो जी में कन्वर्ट हो जाए, या ये जी जो है ए में कन्वर्ट हो जाए, या ये ए के बदले किसी डीएनए के पार्ट में जी आ जाए, तो या ये ए जो है वो टी में टी को रिप्लेस कर दे, या टी के जगह पे ए रिप्लेस हो जाए, तो हमारा पेयरिंग और म्यूटेशन कहलाएगा। दिस म्यूटेशन इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। इसी म्यूटेशन को हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। ओके, जब एक प्यूरीन जो है दूसरे प्यूरीन से ही रिप्लेस होगा, जैसे एडिनिन गुआनिन से ही रिप्लेस होगा, तो इसको ट्रांजिशन कहेंगे। और अगर कोई प्यूरीन अगर किसी पायरिमिडीन से रिप्लेस हो गया तो इसको ट्रांसवर्सन कहेंगे। ये सभी चीज़ हम म्यूटेशन में मैं बता चुकी हूँ। यहाँ इस टाइप के म्यूटेशन से जो डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं, मीन्स पॉइंट म्यूटेशन से जो आपके डिसऑर्डर्स जनरेट होंगे, दैट पॉइंट म्यूटेशन से जो जनरेशन जो आपका डिसऑर्डर होगा, दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, तो हमारा जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो दो तरीके का है। हेयर मेंडेलियन डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरीके का होगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में क्रोमोजोम का नंबर चेंज होता है। ये हमारा अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है तो या तो घट के 45 हो जाएगा या 47 हो जाएगा, लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लिनफ्लिंटर सिंड्रोम, 45 इन टर्नर सिंड्रोम, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। एंड तीन टाइप के डिसऑर्डर हमें पढ़ने हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफ्लिंटर सिंड्रोम। इस क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को पढ़ने के लिए हमें पेडिग्री एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सडन म्यूटेशन होता है और हम पेडिग्री एनालिसिस को स्पेशली मेंडेलियन डिसऑर्डर को पढ़ने के लिए, या इस मेंडेलियन डिसऑर्डर के जेनेटिक को फ्लो, जेनेटिक चार्ट को जानने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं। ओके, नाउ अब ये मेंडेलियन डिसऑर्डर की जब बात आई तो किस में होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, किसे कहेंगे? दैट द डिसऑर्डर दैट इज कॉज्ड बाय द पॉइंट म्यूटेशन। अब देखिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर डिटरमाइंड बाय द अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। जीन मतलब दिस जीन, इस जीन में अगर डिसऑर्डर हुआ बाय द चेंज इन नाइट्रोजिनस बेसिस, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। और इसके जितने भी इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टी हैं, अगर किसी इंडिविजुअल में पॉइंट म्यूटेशन हो गया तो इनहेरिटेंस का जितना भी प्रॉपर्टी है वो मेंडल के लॉ को फॉलो करेगा। मेंडल के लॉ को फॉलो करेगा, इट मीन्स इट विल फॉलो द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव। ओके, अगर किसी इंडिविजुअल में पॉइंट म्यूटेशन के कारण कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो हम उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। और ये मेंडेलियन डिसऑर्डर नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये डिसऑर्डर की जब हम स्टडी करेंगे और उसका पेडिग्री चार्ट देखेंगे या इनहेरिटेंस के का फीचर देखेंगे, तो वो बिल्कुल मेंडेलियन के कैरेक्टर और मेंडेलियन के लॉ को फॉलो करेगा। तो मेंडेलियन का क्या लॉ था? लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ रेसेसिव था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट था, और ये सभी चीज़ को ये जो पॉइंट म्यूटेशन है वो कवर करेगा। अब देखते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन कैसे कैसे क्रोमोजोम पे हो सकता है। हम जानते हैं कि हमारा टोटल क्रोमोजोम दो टाइप्स में डिवाइडेड है, ऑटोजोम्स। ओके, ऑटोजोम्स जो कि सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता है, हमारे जनरल फीचर्स को देता है, सोमल फीचर, सोमैटिक फीचर्स को ये देता है हमारे बॉडी में। सोमैटिक फीचर्स मीन्स जो सेक्स से रिलेटेड फीचर्स नहीं होते हैं, जो सेक्स के क्रोमोजोम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम को छुड़ाकर जितने भी क्रोमोजोम्स हैं वो ऑटोजोम्स होंगे। और दूसरा होगा हमारा सेक्स क्रोमोजोम्स। ओके, हम ये बता रहे हैं कि ये पॉइंट म्यूटेशन किसी भी क्रोमोजोम पर हो सकता है। क्रोमोजोम कितने प्रकार के हैं? ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम। ओके, जैसे हम ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ टोटल क्रोमोजोम है,
इस 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे किसी पे भी पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, लेकिन अगर हम जानते हैं कि हमारा 44 ऑटोजोम्स हैं, क्या है ऑटोजोम्स, और प्लस 2 जो है वो सेक्स क्रोमोजोम है। अगर ये 44 ऑटोजोम्स हैं और इफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स करियर और द क्या कहेंगे द इंडिविजुअल इज फीमेल, देन द सेक्स क्रोमोजोम क्या होगा, XX, ओके। एंड इफ द इंडिविजुअल 44 इज ऑटोजोम इज मेल, देन द सेक्स क्रोमोजोम विल बी XY, ओके। अब आप देख रहे हैं कि ये मेल हो या फीमेल हो, ये ऑटोजोम्स तो इक्वल है और एक जैसे होते हैं। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, सेक्स क्रोमोजोम में। अगर वो फीमेल होगी तो वो XX होगी और मेल होगा तो XY होगा। यहाँ पे सभी केस जो है ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, ह्यूमन के डिसऑर्डर के बारे में डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं, इसलिए सारा एग्जाम्पल ह्यूमन का लेकर चलेंगे। अब जो जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोजोम्स पे हो गए उनको हम लोग ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स कहेंगे, और जो जेनेटिक डिसऑर्डर सेक्स क्रोमोजोम्स पे हुए उनको सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहेंगे, ओके। दीज द डिसऑर्डर्स विच आर काउज्ड ऑन ऑटोजोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोजोमल लिंक्ड डिसऑर्डर्स, एंड द डिसऑर्डर्स विच आर काउज्ड ऑन सेक्स क्रोमोजोम आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ओके। हम देखेंगे कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो है वो मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करेगा। मेल और जब सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम को, जब हम लोग सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर को की स्टडी करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हमें देखना होगा कि जो सफरर है, जो इंडिविजुअल है, वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे डोमिनेंट और रिसेसिव का फीचर थोड़ा बदलता है, ओके। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी, लेकिन अगर कोई ऑटोजोमल डिसऑर्डर हो रहा है तो उसमें मेल या फीमेल की कोई बात नहीं आती है। जनरली जैसा डिसऑर्डर इसमें फीमेल में फील होगा वैसा ही डिसऑर्डर इस मेल में भी तुमको कैरी ऑन होगा। इसमें मेल और फीमेल का कोई मायने नहीं रखता है अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोजोम से हो रहा है तो, लेकिन कोई डिसऑर्डर अगर सेक्स क्रोमोजोम से हो रहा है तो वो डिसऑर्डर कैसा इफेक्ट करेगा ये डिपेंड करता है कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर वो डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम है तो देन, और अगर वो डिसऑर्डर ऑटोजोम्स पे है तो हम लोग इस बात को नहीं देखेंगे कि वो मेल है या फीमेल है, ओके। तो हम यहाँ पे जान गए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दो तरीके के हो सकते हैं, ऑटोजोमल लिंक्ड एंड सेक्स्ड क्रोमोजोमल लिंक्ड, ओके। अब जान रहे हैं कि पॉइंट म्यूटेशन जो है वो मेंडेलियन कैरेक्टर को फॉलो करता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। नाउ अब ये ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज जो है वो रेसेसिव भी हो सकते हैं या डोमिनेंट भी हो सकते हैं। रेसेसिव का मतलब हुआ कि अगर म्यूटेशन जो हुआ वो रिप्लेस हुआ रेसेसिव से, अगर वहाँ का जो जीन है वो रेसेसिव है देन ये डिजीज़ होगा। और हम जानते हैं रेसेसिव कैरेक्टर कब आता है, जब होमोलोगस हो तब, होमोजाइगस कंडीशन पे हो तब रेसेसिव कैरेक्टर आता है। तो ये डिजीज़ भी तभी होगा जब दोनों मदर और फादर के ऑटोजोम्स पर जो तुम्हारे चेंजेज हो रहे हैं वो दोनों पर हो, तभी ये डिजीज़ दिखेगा, डैट इज़ रेसेसिव। क्योंकि मेंडेलियन में हम लोग पढ़े हैं कि रेसेसिव कैरेक्टर तभी दिखता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में रहता है तब, ओके। उसी तरह ऑटोजोमल लिंक्ड जो डिजीज हैं वो डोमिनेंट टाइप के भी हो सकते हैं, मीन्स वो डिजीज़ तब होगा जब जेनेटिक में ऑटोजोम्स पे वो जीन डोमिनेंटली म्यूटेट हो, तो मतलब डोमिनेंट नेचर में प्रेजेंट हो, तो तब वो जाके वो डिजीज़ होगा। सो ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज़ आर डिवाइडेड इनटू रेसेसिव एंड डोमिनेंट, क्योंकि ये जो पॉइंट म्यूटेशन है वो मेंडेलियन कैरेक्टर को फॉलो करता है। उसी तरह हम देखेंगे सेक्स्ड क्रोमोजोमल लिंक्ड जो डिजीज़ है वो भी दो तरीके के होंगे,
एक तो मेल, अगर वो फीमेल को डिस्क्राइब करता रहेगा तो एक्स एक्स को हम लोग लेकर चलेंगे, एक्स एक्स को ध्यान में देंगे। अगर वो मेल से, जैसे आप कि कहेंगे कि वन मेल इज सफरिंग फ्रॉम सेक्स लिंक डिजीज लाइक एनी डिजीज, नेम ऑफ द डिजीज इज गिवेन इन द क्वेश्चन, तो हम कैसा ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई। ओके, अब ये जो एक्स एक्स है वो डिजीज हमें देखना होगा कि वो रेसेसिव है कि डोमिनेंट है। अगर वो डिजीज रेसेसिव नेचर का है, मीन्स इस दोनों एक्स एक्स क्रोमोजोम पर होमोजाइगस कंडीशन पे वो उसके जीन को प्रेजेंट होना होगा, देन द डिजीज विल अपियर। सो और अगर वो डोमिनेंट है तो ये दोनों एक्स के किसी भी एक्स क्रोमोजोम पे एक अलील को डोमिनेंट होना पड़ेगा, उस डिजीज के एक अलील को डोमिनेंट होना पड़ेगा। वो भी डोमिनेंट में भी हम देखेंगे कि हेट्रोजाइगस है, जैसे यहाँ पे डोमिनेंट हो गया, यहाँ पे रिसेसिव हो गया, तो भी ये फीमेल क्या होगी, सफरर हो जाएगी। अगर दोनों डोमिनेंट हैं तो भी सफरर होगी। ओके, सो द एंड इन केस ऑफ एक्स वाई हम बात करेंगे, ये एक्स वाई जो है वाई में बहुत ही कम रीजन है जो एक्स के साथ होमोजाइगस होता है, इसलिए, और वाई बहुत डिमिनिश्ड भी होता है, और वाई केवल मेल कैरेक्टर को कैरी करता है, होलैंड्रिक कैरेक्टर उसको कहते हैं। तो ये मेल के साथ ऐसा होता है जो भी सेक्स लिंक डिजीज हो, या वो रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, मेल जो है विल बी ऑलवेज सफरर, विल ऑलवेज शो द कैरेक्टर ऑफ डिजीज, क्योंकि यहाँ पे इस एक्स क्रोमोजोम को टैली होमोलोगी करने के लिए कोई दूसरा क्रोमोजोम नहीं है, इसलिए ऑलवेज एक्स इज शोज इट्स कैरेक्टर। ओके, इन एब्सेंस ऑफ एनी पेयरिंग प्रेजेंट ऑन वाई, ये जो वाई क्रोमोजोम पे है उसकी पेयर अगर इस एक्स क्रोमोजोम पे कोई डिजीज प्रेजेंट है और उसका पेयरिंग यहाँ नहीं है और ये रिसेसिव भी है, तो भी मेल के कंडीशन में तुम्हारा डिसऑर्डर शो होगा। ओके, सो मेल आर एबल टू एक्सप्रेस द रिसेसिव कैरेक्टर इन सिंगल क्रोमोजोम ऑल्सो, डैट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम। ओके, सो हेयर इट इज कॉल्ड एज हेमीजाइगस, इसलिए यहाँ पे हम लोग मेल को क्या कहते हैं, हेमीजाइगस, क्योंकि यहाँ होमोजाइगस कंडीशन फॉर्म नहीं होता है, दोनों क्रोमोजोम होमोलॉगी फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन एक्स क्रोमोजोम पे, सिंगल क्रोमोजोम पे ही जो तुम्हारा जीन अलील प्रेजेंट है, जैसे यहाँ स्मॉल आर प्रेजेंट है, तो हम जानते हैं स्मॉल आर प्रेजेंट होने के लिए यहाँ भी स्मॉल आर होना चाहिए, लेकिन इस वाई के पास इसके समान, इसके जैसा जीन होता ही नहीं है, तो इस कंडीशन में ये स्मॉल आर यहाँ नहीं भी रहेगा तो भी ये स्मॉल आर का कैरेक्टर ये लड़का, ये मेल शो करेगा। सो मेल के केस में हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं देखते हैं। अगर मेल जो है वो सेक्स लिंक डिजीज को कैरी कर रहा है, इवन इट इज इधर इट इज रिसेसिव और डोमिनेंट, द मेल विल बी सफरर। इसलिए मेल को जेनेटिकली वीक मानते हैं, क्योंकि वो सिंगल एक्स एक्स के साथ भी रिसेसिव कैरेक्टर को भी शो करता है, लेकिन फीमेल के केस में रिसेसिव कैरेक्टर तभी शो होंगे जब वो दोनों क्रोमोजोम पर प्रेजेंट हो, तो अगर नहीं है तो ये रिसेसिव डिजीज को शो नहीं करेगी। सो एंड वॉट आर द डिजीजेज, डिफरेंट डिजीजेज डैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इन दिस बुक। ऑटोजोमल लिंक्ड से हमें पढ़ना है सिकल सेल अनीमिया, फिनाइल किटोनीरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पढ़ना तो नहीं है लेकिन बुक में पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है। ओके, मीन्स इन सभी डिजीज, ये जो सभी डिजीज हैं वो ऑटोजोम्स के म्यूटेशन से होते हैं और ये रिसेसिव इन नेचर है, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल इस डिजीज से सफरर है तो उसके दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम पे इसका म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों क्रोमोजोम पे, मतलब मदर से भी और फादर से भी। अब यहाँ देखते हैं, ऑटोजोमल लिंक्ड डोमिनेंट है, एग्जाम्पल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, इसका भी पेडिग्री चार्ट दिया गया है, इसमें एक प्रोटीन की सिंथेसिस होनी बंद हो जाती है, डैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रोफिन।
यहाँ पे दोनों, अगर किसी इंडिविजुअल का दो ऑटोजोम्स है, मानिए हम यहाँ पे एक्स वाई तो शो नहीं करेंगे क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, तो क्रोमोजोम का हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर दे देंगे, दैट इज अगर मानिए कोई ए है एंड मदर से आया बी, इस दोनों पे ऐसा ऐसा जीन प्रेजेंट रहेगा इन डोमिनेंट और इन होमोजाइगस कंडीशन दिस, देन ओनली द डिजीज विल बी हैपन विल टेक प्लेस. सो इन डोमिनेंट कंडीशन आपके बोथ होमोलोगस क्रोमोजोम पे या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, तभी ये ऑटोजोमल लिंक डिजीज शो होगा. सेक्स लिंक डिजीज भी रेसेसिव हो सकता है और डोमिनेंट हो सकता है. फीमेल के केस में हम ये देखेंगे क्योंकि फीमेल के केस में दो होमोलोगस क्रोमोजोम प्रेजेंट हैं और दोनों इक्वल और होमोलॉगी करते हैं और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है. लेकिन मेल के केस में हम कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि मेल सिंगल क्रोमोजोम पे प्रेजेंट हुआ म्यूटेशन भी इफेक्टिव हो जाता है, दिखाता है. इसमें कोई डोमिनेंट और रिसेसिव की बात नहीं होती. मेल के एक्स पे कोई भी म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन प्रेजेंट है, मेंडेलियन डिसऑर्डर प्रेजेंट है, तो ये मेल सफरर होगा ही होगा. इधर इट इज रिसेसिव इन नेचर, द डिजीज इज रिसेसिव इन नेचर और डोमिनेंट इन नेचर. सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. सम कंसेप्ट आई एम क्रिएटिंग, अभी भी बहुत कुछ कंसेप्ट पढ़ना बाकी है. देन हम लोग एक एक कर चारों डिजीज, चारों टाइप्स के डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और इनका कुछ कॉमन फीचर जानेंगे ताकि हम देख के कैसे बता पाएं कि ये रेसेसिव डिजीज है या डोमिनेंट डिजीज है. मीन्स आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हमें पॉइंट म्यूटेशन में, मीन्स मेंडेलियन डिसऑर्डर में, चार तरह के डिजीज पढ़ने हैं: ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव, ऑटोजोमल लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स क्रोमोजोमल लिंक्ड रेसेसिव, सेक्स क्रोमोजोमल लिंक्ड डोमिनेंट. मीन्स चार, 1, 2, 3, 4, और चारों में जो जिस जिस डिजीज का एग्जाम्पल है वो हम लोग डिटेल एक एक कर पढ़ेंगे. थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला ये चैप्टर है. आप इस वीडियो को, ऑडियो को बार बार सुनिए, बुक्स के लाइन को पढ़िए. बुक में थोड़ा शॉर्ट दिया है, ये बेसिक कंसेप्ट टीचर्स को बनाना है जो मैं बना रही हूँ. उसके बाद हम लोग डिजीज जो जैसे कि बुक में दिया है और पेडिग्री चार्ट को बनाकर पढ़ेंगे. ओके, रीड द डेफिनेशंस इन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो एंड द रिलेटेड लिंक्स.